धनबाद जिले के सिजवा भद्रीचक के रहने वाले मकसूद आलम के घर के आंगन में अचानक गोफ बढ़ने से अफरा तफरी मच गई। इस घटना में घर के लोग बाल बाल बच गए। घटना के बाद पीड़ित व स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ। मकसूद आलम यहां के रैयत है, उनके अपनी जमीन पर आवास है जहां भू धसान के साथ गोफ बना है। पास में ही टाटा जामाडोबा टिस्को भेलाटार कोलियरी संचालित है जहाँ कई सालों कोयला निकालने का कार्य चल रहा है। घटना के बाद से टाटा प्रबंधन के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखा जा रहा। घटना के बाद मामले की सूचना टाटा प्रबंधन को दी गई। सूचना मिलने के बाद टाटा कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। मशीनों के जरिए गोफ की भराई का काम प्रबंधन के द्वारा कराया जा रहा है। भुक्तभोगी मकसूद आलम ने बताया कि घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकले तो देखा सामने गोफ बना हुआ है। 4 फीट डायमीटर और काफी गहराई गोफ की थी। घटना की सूचना टाटा प्रबंधन को दी गई, जिसके बाद गोफ की भराई का कार्य चल रहा। मकसूद ने कहा कि पहले भी इस इलाके में ऐसी 3-4 घटना हो चुकी है। मौलाना अब्दुल कलाम स्कूल में 2 बार गोफ बनने की घटना की घट चुकी है। जब भी हादसे होते हैं प्रबंधन मौके पर आकर खाना पूर्ति कर चले जाते हैं। टाटा कंपनी के द्वारा इलाके से कोयला निकाल कर इसे खोखला कर दिया गया है। भविष्य में यदि कोई बड़ा हादसा, आज सुबह में हम लोग जब दरवाजा खोले तो देखें गेट के पास जो है लगभग 4 फीट के डायमीटर में गोफ था और अंदर डीप काफ़ी था डीप। तो हम लोग को तो थोड़ा सा दहशत हुआ। मोहल्ले वाले बुलाए सब, उसके बाद फ़ोन किए टाटा कंपनी को, तो वहाँ से ऑफिसर आए अपना मुआयना करके और जो इसका प्रोसेस था कैसे क्या करना है अपना लाइन अप कर काम करवा रहे हैं। ये तो अंदाजा नहीं, रात में हुआ होगा, हम लोग तो सुबह में देखें 6 बजे। हाँ, वैसा तो घटना आज तक घटा नहीं, लेकिन इसके पहले ही गोप हो चुका है बगल में, वहीं स्कूल में हुआ था 2 बार। हाँ, गोप तो हो रहा है जी। हमारे मानते हैं जो इसे कोयला निकाला अंदर से कंपनी को माइनिंग का काम तो वही किया है ना, माइंस का जो काम किए हैं वो तो टाटा कंपनी यहाँ से किया है, तो जिम्मेवार तो वही होगा। कंप्लेंट को सेफ चाहिए हमको, इन फ्यूचर में अगर किसी तरह कुछ घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार कंपनी होगी। वैसे क्रेक तो घर के अंदर भी है, इसे देख रहे हैं छत पर, देखिए यहाँ पूरा क्रेक है तो अलग बात है, लेकिन ये गोफ बोल के बाहर में हुआ, घर के बाउंड्री के अंदर हुआ, बाहर नहीं। ये मेरा अपना ही प्लॉट है बगल में, इधर बगल में स्कूल है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसमें हुआ, इस तरफ गली में हुआ। और कुछ ना कुछ खाना पूर्ति करके प्रबंधन, हाँ बस इसी तरह से काम करा घर के चल जाए, अच्छा फिर हो जाते हैं उसका जो अपना करना है खाना पूरी, जैसे कि अंदर पानी बालू जो भी देना है प्लास्टर करके चल जाते हैं। ये जगह भद्री चौक।